बैक टू द चैनल एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार आप देख सकते हो अभी मैं हूं हार्डिंग रोड पर और आज की जो मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूं वो पटना जंक्शन पार्किंग से रिलेटेड है। वैसे गाइस थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये गाइस मैं बात कर रहा हूं पटना जंक्शन फ्री पार्किंग की। वैसे गाइस आपको पता ही है कि पटना जंक्शन के बाहर जो पार्किंग है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, बट आज जो मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूं वो पटना जंक्शन के पास नहीं बल्कि पटना जंक्शन से थोड़ा पहले आपको जीपीओ के पास ये पार्किंग देखने को मिलेगा। बट गाइस ये जो पार्किंग है इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना जंक्शन से होती है, तो चलिए मैं आपको सीधे वहां लेकर चलता हूं और कहां पर ये पार्किंग बनकर तैयार हो चुका है आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हां गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना बिहार से जुड़ी हुई ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर कहां पर ये पार्किंग बनाया गया है उसे भी मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तो गाइज अभी मैं हूँ आर ब्लॉक हार्डिंग रोड के तरफ और पटना के जीपीओ गोलंबर के तरफ बढ़ रहा हूँ और जिस पार्किंग एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको जीपीओ गोलंबर के पास देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आपको मैं वहाँ लेकर चलता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि पटना जंक्शन पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पार्किंग को लेकर, क्योंकि रोजाना यहाँ पर 4 से 5 लाख यात्रियों की आवाजाही होती है जिसके कारण लोगों को पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। बट गाइज मैं आपको बता दूँ कि पटना जंक्शन के सामने जो आप पार्किंग देखते हैं उसके अलावा एक नई जगह आपको पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और पटना जंक्शन का ये जो आप बाहर का एरिया देख रहे हैं ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड पटना मेट्रो का निर्माण होना है। साथ ही यहाँ अंडरग्राउंड सबवे का भी निर्माण होगा जो कि जीपीओ गोलंबर के पास से अंडरग्राउंड होता हुआ सबवे सीधे यहाँ महावीर मंदिर के गेट के पास निकलने वाला है, जिस पर मैं ऑलरेडी कई अपडेट दे चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। गाइस बात करूँ कहाँ पर ये पार्किंग बनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ जीपीओ गोलंबर के पास और इसी जगह से आप यू टर्न लेकर जब वापस आर ब्लॉक के साइड जाते हैं ठीक उसी के पास यानी जहां सब्जी मंडी आपको देखने को मिलता था उसी जगह पर आपको ये न्यू पार्किंग का रास्ता देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको सीधा वहां लेकर चलता हूं। गोलंबर के पास और इसी जगह पर आपको वो पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा। आप जो मेरे पीछे यहाँ ऑटो स्टैंड देख रहे हैं इसी से होते हुए आपको उस पटना जंक्शन के फ्री पार्किंग एरिया की तरफ जाने का रास्ता है। तो चलिए फिर मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। वैसे गाइस मैं आपको इधर दिखा दूँ कि आप मेरे पीछे ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है इसका भी काम काफ़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है, तो बहुत जल्द इसकी भी शुरुआत होने वाली है। तो चलिए मैं आपको पीछे इधर जो पार्किंग एरिया तैयार किया गया है उसके बारे में अपडेट दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा जीपीओ गोलंबर और आपको मैं बता दूं कि जो रेलवे का न्यू पार्किंग एरिया तैयार किया गया है वो आपको इधर आर ब्लॉक के साइड जाने वाला जो ऑटो स्टैंड है जो कि जीपीओ के नीचे से आप करते हैं ठीक उसी के पास यानी इस जीपीओ वाले फ्लाईओवर के नीचे से होकर आपको न्यू रेलवे पार्किंग एरिया की तरफ जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। और इसी जगह पर अक्सर आपको यहां सब्जी मंडी लगा हुआ देखने को मिलता था, इसे अब यहां खाली करवा दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये रहा ऑटो रिक्शा स्टैंड न्यू रेलवे पार्किंग और इसी फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए आगे जाकर आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा और आप सीधे पार्किंग एरिया में पहुंच जाएंगे। वैसे गाइस यहां पार्किंग तो बना दी गई है लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी यहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा गंदगी देखने को मिलेगी। यहां कुछ लोग आपको गंदगी फैलाते हुए भी नज़र आ जाएंगे, चाहे वो बाथरूम हो या फिर कूड़ा कचरा फेंकते हुए नज़र आएंगे, जबकि यहां बगल में ही जीपीओ गोलंबर के पास ट्रैफिक पुलिस है बट फिर भी यहां किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। खैर गाइस बात करूँ इस न्यू रेलवे पार्किंग एरिया की तो आप देख सकते हैं ये रहा वो न्यू पार्किंग एरिया, इसे यहाँ जीपीओ वाले फ्लाईओवर यानी जीपीओ गोलंबर पटना स्टेशन मार्केट वाली जो गली है उसके ठीक पीछे तैयार किया गया। आप देख सकते हैं इधर का जो एरिया है वो कितना बड़ा है। पहले इधर आरएमएस के क्वार्टर हुआ करते थे जो कि काफी ज्यादा बुरी स्थिति में थे, तो उसे ही यहाँ पर तोड़कर ये पार्किंग एरिया तैयार किया गया है। और गाइस आप ड्रोन शॉट में भी देख सकते हैं ये एरिया कितना बड़ा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं पटना जंक्शन गेट नंबर 1 के सामने और महावीर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जहाँ टू व्हीलर गाड़ियों को पार्क किया जाता है, वहीं पटना जंक्शन के एंट्रेंस गेट से थोड़े अंदर वाली जगह में 4 लेन गाड़ियों को पार्क किया जाता है, लिहाजा पटना जंक्शन जाते समय हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। और अब इस समस्या से निपटने के लिए ही बड़ी पार्किंग का निर्माण हो रहा है और आप देख सकते हैं ये जो पार्किंग एरिया आपको दिख रहा है ये 5,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ 300 गाड़ियों के साथ साथ 1,000 टू व्हीलर को पार्क करने की व्यवस्था होगी, यानी यहाँ पर एक साथ करीब 1,300 गाड़ियों को पार्क किया जा सकेगा। पटना जंक्शन के न्यू वाले पार्किंग एरिया में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पार्किंग एरिया ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। और अभी मैं उधर जीपीओ गोलंबर से होकर इधर आया हूँ और वहाँ से लेकर अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ
तो आप देख सकते हैं ये पटना जंक्शन के गेट नंबर 3 के तरफ निकल जाएगा और काफी बड़ा पार्किंग एरिया है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह आपको पे नहीं करना है, चाहे आप बाइक से आ रहे हो या फिर अपने कार से, आप बिल्कुल फ्री यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और ना सिर्फ पार्किंग, यहाँ पर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ भी आप जा पाएंगे। आप मेरे पीछे यहाँ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसके तरफ जाने का ये रास्ता भी है और सामने आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी दिख रहा होगा, तो मैं आपको उधर भी लेकर चलूंगा। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो आप पार्किंग एरिया देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ टाइम के बाद यहाँ पर चार्जेस पे करने होंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये पार्किंग एरिया जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं करने होंगे। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर चार्जेस पे किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस क्या लगने वाली है उसके बारे में यहाँ पर बैनर लगा दिए गए हैं, लेकिन कब से ये चार्ज किया जाएगा अभी कोई क्लियर नहीं है। तो आइए मैं आपको क्या चार्जेस होने वाले हैं उसे दिखा देता हूं, और उसके बाद फिर आप जो मेरे पीछे यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ जाने वाला जो ये रास्ता है वहां उस तरफ लेकर चलूंगा। पहले आइए मैं आपको जो पार्किंग एरिया का रेट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा वो चार्ज जहां पर आपको अपने व्हीकल के लिए जो पे करने होंगे उसके यहां पर रेट्स वगैरह दिए गए हैं। पूर्व मध्य रेल पटना जंक्शन उत्तर की तरफ ये पड़ता है आपको पार्किंग एरिया, जो कि RMS कॉलोनी के बिल्कुल पास में है। और ये दो पहिया एवं ऑटो रिक्शा बजाज एवं विक्रम का पार्किंग स्टैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइमिंग वगैरह है वो भी दिया हुआ है, यानी आप 0 से लेकर 2 घंटा तक अगर पार्किंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ₹12 पे करने होंगे, वहीं 2 से 6 घंटे के बीच आपको ₹14। और इसी तरह से आपको यहाँ पर ऑटो वगैरह के लिए भी चार्जेस दिए हुए हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो गाइज ये तो था यहाँ पर पार्किंग एरिया में क्या कुछ चार्ज लगने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, अभी जब तक हैं आप यहां पर आकर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको यहां जो इस पार्किंग एरिया से पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ जाने वाला जो रास्ता तैयार किया गया है उधर लेकर चलता हूं। वैसे आप देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग यहां से निकल रहे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ और उधर भी मैं आपको चलकर दिखा देता हूं वाला रास्ता। तो गाइज अगर आप GPO की तरफ से आ रहे हैं या फिर इधर RMS ऑफिस मस्जिद के बगल वाला जो रास्ता है उससे होकर अगर आप आ रहे हैं, यानी पटना जंक्शन के गेट नंबर 3 से, तो आप इस पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ियों को पार्क करके सीधे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर लेकर चलता हूं। तो आप देख सकते हैं ये रहा पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि यहाँ पर रास्ता कनेक्ट किया गया है। और इस तरफ से आप पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होते हुए बाहर भी निकल सकते हैं। और ये रहा सामने पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो गाइस काफ़ी अच्छी सुविधा आपको मिल गई है, इस पार्किंग एरिया से होकर आप सीधे अपनी गाड़ियों को पार्क करके पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ निकल सकते हैं। और पहले आप महावीर मंदिर के पास अपनी गाड़ियों को पार्क करते थे, बट अब आप सीधे डायरेक्ट पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक बहुत ही आसानी से अपनी गाड़ियों के थ्रू पहुँच सकते हैं। यानी आपके पास काफ़ी ज़्यादा लगेज है तो आप सीधे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये रहा बिल्कुल पार्किंग एरिया से कनेक्टेड ये प्लेटफॉर्म। और गाइस सामने ये रहा पटना जंक्शन का बोर्ड, आप देख सकते हैं, यानी अभी मैं हूँ इस पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। पटना जंक्शन जाना चाहते हैं या फिर महावीर मंदिर, आपको एक न्यू पार्किंग एरिया मिल चुका है, तो अब आप यहां पर आकर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और खास करके वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा लगेज के साथ पटना जंक्शन आते हैं और काफ़ी दूर तक उनको जाना पड़ता है, तो अगर उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुँचना है तो वो सीधे इस पार्किंग एरिया में आकर यहाँ पीछे मेरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक बड़ी आसानी से अपनी गाड़ियों के थ्रू पहुँच सकते हैं। और गाइस मेरे पीछे जो आप ये पार्किंग एरिया देख रहे हैं जो कि इधर RMS ऑफिस की तरफ चला जाता है, तो चलिए मैं आपको इधर लेकर चलता हूँ और कहाँ पर ये निकलेगा उसे भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइस GPO से लेकर इधर रेलवे RMS ऑफिस तक आपको ये पार्किंग एरिया देखने को मिलने वाला है, और आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतना बड़ा एरिया इधर मौजूद था। आप देख सकते हैं GPO से लेकर यहाँ RMS ऑफिस तक ये पार्किंग स्पेस तैयार कर लिया गया है। और गाइस ये रहा सामने रेलवे RMS ऑफिस की बिल्डिंग, इधर रोड को ढालने का काम भी बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं इस काम को पूरा करने में। यानी GPO से लेकर इधर RMS ऑफिस तक करीब 5000 स्क्वायर मीटर तक फैला इस पार्किंग एरिया में एक साथ करीब 1300 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था होगी। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस तरफ से होकर भी आप इस पार्किंग एरिया में आना जाना कर सकते हैं। और ये रास्ता कहाँ निकलता है आइए मैं आपको उसे भी दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रहा पटना जंक्शन का गेट नंबर 3 जहाँ ये रास्ता निकल रहा है। सामने महावीर मंदिर भी आप देख सकते हैं और इधर ये रास्ता पटना स्टेशन रोड पर निकल जाएगा।
यानी अगर आप पटना स्टेशन रोड से आ रहे हैं तो आप इधर इस मस्जिद के बगल वाले रोड से होकर रेलवे द्वारा तैयार किए गए न्यू पार्किंग एरिया में जा सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि पटना जंक्शन के रीडेवलपमेंट को लेकर भी काफी सारा काम यहां होना है, साथ ही मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो या फिर जीपीओ से लेकर महावीर मंदिर तक अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण भी होना है, साथ ही पार्किंग की समस्या के कारण भी न्यू पार्किंग एरिया तैयार करना जरूरी था। तो रेलवे के द्वारा ये काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और फाइनली ये न्यू पार्किंग एरिया आप यहाँ पर तैयार देख पा रहे हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर किसी भी तरह के चार्जेस वगैरह पे नहीं करना, आप बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर अपनी गाड़ियों को लाकर पार्क कर सकते हैं। खास करके वो लोग जिन्हें पटना जंक्शन जाना है तो वे लोग यहाँ पर जीपीओ की तरफ से या फिर पटना स्टेशन वाले रोड से होकर सीधे इस पार्किंग एरिया में आ सकते हैं। तो गाइस ये था यहाँ पटना जंक्शन के पास तैयार किए गए न्यू पार्किंग एरिया। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस पार्किंग एरिया के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।